myself Prachi and होने वाली CMA Prachi. Guys, आज मैं आपकी DT का discussion करने आई हूँ. Guys, ये DT का paper का overview है scanner से. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो चलो discussion शुरू करते. Guys, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप time waste मत करो DT में बहुत ज़्यादा पढ़ के, क्योंकि guys सबसे ज़्यादा marks का question आपका आता है assessment of various entity से और अपना आता है international taxation से. तो guys, अगर आप ये दो chapter को अच्छे से करके जाओगे ना, more than sufficient है. इतना सारा portion पढ़ोगे और आपको देखो marks कितने कम मिल सकते हैं. सिर्फ आपको दो portion में focus करना है, एक तो assessment of various entity और एक आपको international taxation. उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, गाइस 44 मार्क्स का ये आया है, 44 मार्क्स का ये आया है, सिर्फ ये दो चैप्टर को कवर करो अच्छे से. अक्सर इसमें से ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, देखो 60 मार्क्स तक का इसमें क्वेश्चन आया मैक्सिमम और इसमें 44 तक आया है. अभी भी आगे भी चांसेस है कि ज्यादा ज्यादा आएगा. आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को. प्लीज गाइस सेलेक्टिव स्टडीज कीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ के चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.